दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन 75 साल के होने पर पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भाजपा पर हमला बोला। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी के रिटायर होने का खंडन सिर्फ भाजपा के नेताओं ने किया है, पीएम मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बता दें आपको, केजरीवाल ने कहा अगर पीएम मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वे कह दें कि 75 साल पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा, ये नियम सिर्फ आडवाणी के लिए था, वे वन नेशन वन लीडर आइडिया के तहत विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपने नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेताओं की राजनीति खत्म कर दी, अब अगला नंबर यूपी के सीएम योगी का है। भाजपा ये तो कह रही है कि मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं कह रही है कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा, मतलब पक्का है कि अगले 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा। बता दें आपको, दिल्ली सीएम ने केजरीवाल की 10 गारंटी का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर देश के लोगों के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी का भी ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा, मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अभी भी चुनाव के कई फेज बाकी हैं, अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आई तो इन गारंटियों को लागू करने की गारंटी मैं लेता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केजरीवाल ने आप विधायकों के साथ मीटिंग की। 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ से निकलने के बाद अपने विधायकों के साथ ये उनकी पहली मीटिंग थी। इसमें उन्होंने कहा, भाजपा मुझे गिरफ्तार करके दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। केजरीवाल ने कहा, मेरी गिरफ्तारी से आप पार्टी और मजबूत हुई, ना तो वे हमारी सरकार गिरा पाए, ना ही हमारे विधायकों को तोड़ पाए, भाजपा आप सरकार में सेंध नहीं लगा पाई, उनका पूरा प्लान उल्टा पड़ा। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।